अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स आई हुई हैं शूट के लिए, बेसिकली आई हुई हैं। ये पीआर पैकेज या वो ऐसा कोई सीन नहीं है, तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखा दूं। मैं काफ़ी अरसे से जो जिसे आप अरके गुलाब या रोज़ वाटर कहते हैं वो यूज़ कर रहा था करशी का, बल्कि वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जिसके ऊपर उन्होंने स्पेशल खालिस लिखा हुआ है, ये कोई डीमार्केटिंग या नेगेटिव वो वाली चीज़ नहीं है। मैं बस अपने सर्कल में ये बताना चाह रहा था कि ये मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर एक बहुत प्यारी धीमी धीमी खुशबू होती है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके अलावा स्किन को भी फ्रेशनेस भी फील होती है अगर आप स्पेशली रात को लगा कर सोते हैं। तो मेरे पास ये ऑर्गेनिक एक ब्रांड है, इसकी कुछ प्रोडक्ट्स आई हैं शूट के लिए, तो ये मैंने ट्राई किया। ऑब्वियसली हमारे पास इतना जो है ना वो मार्जिन होता है कि हम ट्राई कर सकते हैं इनको, तो मैंने इसको ट्राई किया रोज़ वाटर को, क्योंकि मेरा पहले भी ये फेवरेट है, तो अपनी फेवरेट चीज़ बंदा फ़ौरन ट्राई करता है। तो मैंने ये ट्राई किया और इसके अंदर से मुझे एक ऐसी स्मेल आई जो कि स्टार्ट में मुझे प्लेजेंट फील नहीं हुई कि यार ये क्या है, मतलब इतनी इस तरह की स्मेल। हालांकि मेरे जहन में जो स्मेल थी वो तो इसकी थी, इतनी प्यारी खुशबू। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको जब मैंने लगाया तो जो फ्रेशनेस इससे मुझे फील हुई वो इससे नहीं होती थी। अब ये सिचुएशन है, ये मैं अपने पास मतलब छोटे उसमें क्या कहते हैं पॉकेट साइज़ में परमानेंट रखता हूँ स्प्रे में। जब भी मेरा थोड़ा सा मैं फील कर रहा हूँ तो मैं कर लेता हूँ स्प्रे इसको। यकीन करें जब से मैंने ये लगाया ये लगाने का दिल नहीं कर रहा। हालांकि इसकी स्मेल थोड़ी सी अजीब है क्योंकि मेरे जो मतलब वो सब आदि हम खुशबू का मैं इसका आदि हूँ, तो मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। लेकिन अब जब से मैंने इसकी फ्रेशनेस फील की है, मुझे इसका बिल्कुल भी पूरा प्योर केमिकल लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं केमिकल लगा रहा हूँ, ये प्योर है, ठीक है। तो हमारे जिशान भाई हैं जो एक्चुअली इस ब्रांड को ओन भी करते हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं, तो वो ख़ुद भी जो हैं क्या कहते हैं उस पर इन चीज़ों पे काम करते हैं। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इनकी, एक है ये फेस वॉश, ये चारकोल का है। इसकी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। वो कहते हैं मैंने एक जगह पे एक स्टॉल लगाया हुआ था, तो चारकोल के जो क्रीम है उनके पास एक क्रीम है चारकोल की, वो कहते हैं मैंने एक लेडी आई है मेरे पास, उनने कहा जी कि ये प्योर चारकोल की है। मैंने कहा जी चारकोल की, कहते तब मैंने ब्रांड नया नया स्टार्ट किया था और मुझे चारकोल की स्मेल बहुत बुरी लग रही थी खुद उस वक्त। तो कहते मैं ये सोच रहा था कि यार मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करूँगा कि इसमें मैं कुछ ऐसा केमिकल डाल दूँ कि एटलीस्ट इसकी स्मेल मर जाए, थोड़ा सा ऑर्गेनिक से ये वाली प्रोडक्ट मेरी आउट हो जाएगी। लेकिन ये है कि ये ऐसा ना हो कहीं ये स्मेल की वजह से बिके ही ना। तो वो कहते हैं कि मैंने उसके लिए जो है वो सोचा हुआ था कि मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई ऐसी चीज़ ट्राई करूँगा कम से कम जो इसकी स्मेल ख़त्म कर सके। तो कहते हैं मैं स्टॉल लगाया हुआ था, स्टॉल पे एक लेडी आई है, उन्होंने क्रीम देखी, उन्होंने कहा ये ओरिजिनल चारकोल है। मैंने कहा जी ये ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है। कहती हैं अच्छा, उन्होंने पकड़ी है, पकड़ के उसको खोला, खोल के स्मेल की और कहती हैं चार पैक करते हैं। कहते हैं मैं बहुत हैरान हुआ कि इनको ये स्मेल, इन्होंने सूंघी भी फिर भी स्मेल नहीं आई, इतनी इसकी अजीब सी स्मेल है और ये ऑर्डर कर रही हैं। तो कहते हैं मैंने पूछ लिया उनसे कि आपको इसकी स्मेल नहीं अजीब लगी, तो वो कहती हैं कि मुझे लगी अजीब, मैं इसलिए ले रही हूँ कि ऑब्वियसली अगर ये ऑर्गेनिक है तो इससे चारकोल की स्मेल आनी चाहिए, और चारकोल की स्मेल आई है तो मैंने ये ली है। अगर इसमें से कोई खुशबू आ रही होती या कोई और स्मेल आ रही होती तो मैं ऑब्वियसली ये ना लेती, मुझे पता चल जाता कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें कोई केमिकल यूज़ हुआ हुआ है स्मेल ख़त्म करने के लिए। तो कहते हैं तब मैंने ये डिसाइड किया उस वक्त कि मैं कोई भी चीज़ नहीं डालूंगा, चाहे जैसी भी स्मेल आती है जो भी आता है ऑर्गेनिक में से जो चीज़ होगी वो उसी तरह रहेगी। तो इस वजह से आपको इनकी कुछ चीज़ों की स्मेल हो सकता है वो हमने ज़िंदगी में सूंघी ही पहली बार हो, चारकोल जैसे हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते तो चारकोल की स्मेल हो सकता है, ये बेसिकली फेस वॉश है, तो हो सकता है आप ये पहली बार सूंघ रहे हों तो इसलिए जो है वो स्मेल जो है वो आपको हो सकता है अजीब लगे। लेकिन जो फ्रेशनेस आपको फील होगी उसकी मैं गारंटी देता हूँ, ऑर्गेनिक की मैं गारंटी देता हूँ। रिजल्ट्स ऑब्वियसली मैंने खुद ट्राई नहीं की हुई, इसके अलावा ये भी मतलब अभी ट्राई किया, तो रिजल्ट्स तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इसके ऑर्गेनिक होने की मैं गारंटी देता हूँ। इसके अलावा इनकी कुछ और प्रोडक्ट्स हैं शूट के लिए आई हैं मेरे पास, इस्तेमाल तो मैं कर सकता हूँ लेकिन ऑब्वियसली मतलब ये प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो मेरे पास इस वक्त फ़िलहाल। ये 6 प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, मज़ीद इनकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, टोटल इनके मेरे ख्याल में 16 या 17 प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि आप मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आप इस तरह करें इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, ये वेबसाइट oleanderorganics.com, तो प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखी है, बल्कि मैं वीडियो में भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। इनकी प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक की अश्योरिटी है, सारी ऑर्गेनिक हैं, और ऑर्गेनिक मींस के इन केस ये आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही हैं तो नुकसान भी हरगिज़ नहीं देंगी ये, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मेरा जो फेवरेट है रोज़ वाटर, कम से कम ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ऐसी फ्रेशनेस फील होगी कि मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने पहले ऑर्गेनिक या कोई भी ब्रांड यूज़ किया हुआ है तो आपको एक फ़र्क जो है वो फील होगा साफ। तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में या कहीं भी आपको वेबसाइट नज़र आ जाएगी, oleanderorganic.com, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।